वेलकम बैक टू आवर चैनल एसके केयर पॉइंट। दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की एक और शानदार वैकेंसी आ चुकी है। जी हां साथियों, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों, सबसे बढ़िया बात इसकी यह है कि सीधी भर्ती होने वाली है और सभी के लिए एक और शानदार मौका यहां पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो पद हैं कितने रहने वाले हैं, योग्यता क्या है और लास्ट तारीख जो फॉर्म भरने की वो कब है। दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और मैं आपको चलिए बिना देरी किए नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ डायरेक्ट। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया गया है और यहाँ पर दोस्तों सीधी भर्ती है, ये NHM के थ्रू वैकेंसी निकाली गई है जिसमें आपकी सैलरी 25 प्लस 15 रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट देख लीजिए आप, लास्ट डेट इसकी 31 जुलाई 2023 है। ठीक है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दोस्तों वैकेंसी की। तो वैकेंसी को डायरेक्ट निकाला गया है दोस्तों, BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स को अप्लाई करेंगे और इसमें 699 आपकी पोस्ट रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स के साथ में BSc नर्सिंग होनी चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक BSc होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली आपको सब सेंटर पर पोस्टिंग दी जाएगी जहां पर ANM काम करती है, उसके सुपरविजन में आप वहां पर काम करेंगे। ठीक है, दूसरी बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए दोस्तों, इसमें पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट और BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स यहां पर बताया गया है। दोस्तों, BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाई इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, असम नर्सिंग मिडवाइफरी हेल्थ विजिटर काउंसलिंग और कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड नर्स रजिस्ट्रेशन मिडवाइफ RNRM फ्रॉम असम नर्सिंग काउंसलिंग। ठीक है, तो ये कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कैंडिडेट सेल सबमिट ए सर्टिफिकेट फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज वेयर फ्रॉम कैंडिडेट हैज़ पास्ड द कन्फर्मेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट। तो जो जिनके पास सर्टिफिकेट है दोस्तों कॉलेज से, वो लिखवा के लेके आएंगे। ठीक है, इसमें लिखा गया है सीधे सीधा सर्टिफिकेट उनके पास होना ही चाहिए। एज लिमिट दोस्तों देख सकते हैं 35 ईयर ऑफ एज विच इज़ रिलैक्स बाई 5 ईयर फॉर SC/ST। ठीक है, SC/ST वालों को 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और 1 जून को आपको काउंट की जाएगी। डिजायरेबल क्राइटेरिया दोस्तों, वहाँ की आपको रीजनल लैंग्वेज आनी ही चाहिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे आप लोग। और सिलेक्शन प्रोसेस आपके मेरिट के हिसाब से रहेगा, क्या मेरिट आपकी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, शानदार वैकेंसी है ये, असम के द्वारा वैकेंसी को निकाला गया है, बहुत ही शानदार अपडेट आप सबके लिए। और इसकी लास्ट डेट दोस्तों 31 जुलाई होने वाली है और इसमें आप देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, वो सीधे सीधे सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूरी जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको मिल चुकी होगी दोस्तों, असम की वैकेंसी है और इसमें देख सकते हैं आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार अपडेट आप सबके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास में जो भी इंतजार कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स बनने का। ठीक है, तो साथियों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट कोई भी अपडेट होगा आपको जरूर बताया जाएगा। आप सबको पता है दोस्तों, जितनी भी नई वैकेंसी हैं अपडेट आती हैं सबसे पहले आपको बताई जाती हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।